हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन का पार्ट टू। बेसिकली अभी हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ था, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, उसमें हम ये सेक्शंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें करने हैं वो है सेक्शन 77 और 78, क्यों ये बात करता है। बेसिकली जजेस के ऊपर बात करता है, अगर जजेस के ऊपर के कब ऑफेंस माना जाएगा, कब ऑफेंस नहीं मिलेगा, उनको इम्यूनिटी देता है ये सेक्शन। फिर आपका सेक्शन 81 बात करता है नेसेसिटी की, कि अगर कोई नेसेसिटी है और उसकी वजह से आप मतलब कोई आप बड़े ऑफेंस को मतलब बड़े नुकसान को अवॉइड करने के लिए कोई छोटा नुकसान कर देते हो, इसमें हमें ये पढ़ना है। फिर हमें ये कंसेंट पढ़ना है। बेसिकली कंसेंट जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं सेक्शन 77। सेक्शन 77 आपका क्या बात करता है? सेक्शन 77 आपका सिंपली ये कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, विच इज डन बाय जज। एक अगर जज ने करा, व्हेन एक्टिंग जुडिशली, जब वो जुडिशली एक्ट कर रहा है, यानी कि कोई एजुकेट कर रहा है मैटर को, यानी कि कोई फैसला सुना रहा है, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर, अपनी पावर को यूज करने के लिए, इन गुड फेथ। अब गुड फेथ का मतलब क्या होता है? गुड फेथ का मतलब होता है कि यानी कि उसने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हैं और पूरा ध्यान रखा है इन चीजों का, तो भी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई जज साहब है, क्यों किसी के ऊपर किसी का नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देते हैं ऑन दैट बेसिस कि वो नहीं आ रहा, पर पता चला कि वो किसी और काम में था और जो काम था वो नेसेसरी काम था, तो इस बेस पे जज साहब के ऊपर नहीं लग सकता कि क्योंकि उन्होंने जुडिशली एक्ट करा, तो ये जजेस को पावर देता है। और दूसरा भी सेक्शन 78 भी सिंपल से ये बात कह रहा है कि अगर जजेस की कोई जजमेंट के थ्रू अगर कोई ऑर्डर, जज मतलब मान लीजिए किसी जज साहब ने कोई ऑर्डर दिया या जजमेंट दिया कि उसे जाओ और पकड़ के लेकर आओ, और उसे पकड़ के लेकर आते हैं सब पुलिस वाले, जी के बाद में पता चलता है कि ये रमेश नहीं था, सुरेश के लिए था, रमेश के लिए नहीं था, ठीक है, तो उस बेस पे भी मिल जाता है। मतलब ये बेसिकली जजेस को इम्यूनिटी देते हैं कि अगर उन्होंने गुड फेथ में कोई काम करा है तो उन पे कोई ऑफेंस नहीं लगेगा। सेक्शन 81। अब सेक्शन 81 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 81 क्या कहता है कि एक्ट लाइक टू कॉज हार्म, अगर किसी एक्ट के वजह से आपका हार्म हो जाता है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, पर आपका इंटेंशन नहीं था क्रिमिनल माइंड का, प्रिवेंट द अदर हार्म, दूसरे हार्म को बचाने के लिए। अब जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ट्रेन के सामने एक आदमी आ जाता है और ट्रेन जो है वो 80 की स्पीड पर है, पर एकदम से वो देखता है कि एक आदमी आ रहा है, वो बिना रोके उस आदमी को उड़ा देता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको भी पता होगा कि अगर ट्रेन में काफी लोग बैठे होते हैं और अगर स्पीड में ट्रेन चल रही है तो एक बंदे को बचाने के लिए, अब उसने क्या करा, एक बंदे को बचाता तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि गाड़ी ट्रेन जो पटरी से उतर जाती, ठीक है ना, तो इस चीज को उसने अवॉइड करने के लिए एक आदमी को उड़ा दिया। अब जैसे इसमें एक वर्ड है इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब सिंपल सा है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, ठीक है, जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने पढ़ा, इसमें उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, यानी कि एक को बचाता ये जो 3,000 लोग बैठे होते उन्हें बचाता, तो उसने इस एक बड़े कॉज को अवॉइड करने के लिए एक छोटे सा करा। तो इमिनेंट का मतलब ये होता है कि दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने दोस्त को बचाने जाता हूँ, ठीक है, अब मैं अपने दोस्त को बचाने गया पर मेरे पास उसको मैंने बचाने के वक्त ग्रीवियस हर्ट कर दिया, मान लीजिए उसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था, अब जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था तो मैंने एक लकड़ी का डंडा लिया और उसके सर पे देके मारा गया, उसे हटाया, ठीक है, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मान लो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि मैं स्विच ऑन कर देता, स्विच सॉरी ऑफ कर देता, तो यहां पर मैं मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता तो मैं अगर करता हूं तो नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए मैं कोई ऑफेंस का है और तभी ये सेक्शन 81 तभी नेसेसिटी की बात करता है, तभी जब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं हो तभी आपके इसके सेक्शन 81 के रेलिवेंट पॉइंट है कि आपके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था अनलेस अंटिल आपको यही करना था, ठीक है। जैसे कोई एक डॉक्टर है, आप एक डॉक्टर के पास कोई जाता है, ठीक है, उसको वो किसी कार्ट्रेक का मतलब यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहा होता है, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन अब आते हैं हम सेक्शन 87 पे। सेक्शन 87 क्या बात करता है? सेक्शन 87 आप क्या कहता है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड नॉट नो द कॉज डेथ एंड इट। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड जेड एग्री, ए एंड एग्री होते हैं फेंस के लिए, मतलब तलवारबाजी के लिए एग्री होते हैं फॉर अम्यूजमेंट, मतलब यानी कि एक पार्क में वो क्या करेंगे, ए और जेड तलवारबाजी करेंगे और वो दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं, और एक क्या होता है कि इस और विदाउट एनी फॉल्ट प्ले, मतलब यानी कि कोई चलाकबाजी नहीं कर रहे होते, कोई उन्होंने कोई गलत चीज नहीं कर रखी होती। जैसे आपने देखा होगा, अपने मूवी देखी होगी, अपने मूवी में क्या होता है कि बॉबी देओल जब फाइट कर रहा होता है सामने वाले के साथ, तो
अगर मान लीजिए उस दौरान कोई दोनों को चोट लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मान लीजिए उसमें क्या हुआ था, उसने कुछ वैक्स वैक्स लगाई थी जिसकी वजह से बॉबी देओल देख नहीं पा रहा था, तो यहां पर क्या हुआ था कि उसने फॉल प्ले करा था, उसका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे बॉबी देओल वाले एग्जाम्पल पे लेते हैं कि जब बॉबी देओल फाइट कर रहा था दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो दोनों एक आराम से फाइट कर रहे थे, मतलब सिंपल ही कर रहे थे, अब उसमें बॉबी देओल को चोट लग गई, तो कल को बॉबी देओल ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मेरे को उसने मारा, क्यों, क्योंकि उसने वो अपनी कंसेंट दी थी, कंसेंट का मतलब अपनी इच्छा दी थी कि अपना विल दिया अपने, उसने वो हाँ भरी थी, इसी को हम वॉलेंट्री नॉट फिट इंजुरिया के नाम से जानते हैं। सेक्शन 87 आपकी बात करता है वॉलेंट्री नॉट फिट इंजुरिया कि अगर आपने अपनी कंसेंट खुद दी है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक स्टेडियम जाता हूँ, स्टेडियम में जाके मैंने, मुझे पता है कि कभी भी बॉल आके लग सकती है, मैं अपना स्टेडियम बैठा और एक बॉल आई, विराट कोहली ने मेरे मुंह पे बॉल मार दी, हालांकि उसका इंटेंशन नहीं था, वो तो उसने बस छक्का मारा और मेरे मुंह पे आके लग गई, तो जब मेरे मुंह पे आके वो बॉल लगी तो मैं ये नहीं कह सकता कि विराट कोहली से कि मुझे क्लेम, मुझे पैसा दो क्योंकि आपने मेरे को चोट लगाई है, क्यों, क्योंकि आपको पता होता है कि स्टेडियम में ये चोटें तो लगती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस का मतलब होता है ये आपने बोल के या लिख कर दिया हो, इम्प्लाइड का मतलब होता है या आपने बता दिया हो, मतलब आपके एक्ट ऐसे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी गाड़ी में जाके चुपचाप बैठ जाता हूँ तो ये इम्प्लाइड है, जैसे मैं पैरा राइडिंग कर रहा हूँ, पैरा राइडिंग में क्या है, आप उसने मुझसे पूछा कि आप पैरा राइडिंग करोगे, मैंने हाँ या ना कुछ नहीं बोला और मैं सीधा पैरा राइडिंग के लिए वो चीज़ें पहनना शुरू कर दिया और उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, कंसेंट है। जैसे हमने वो वीडियो देखी थी उस उसमें जो एक बंदा होता है वो पैराशूट वाला आदमी होता है जो उसमें गालियां दे रहा होता है और वो कह रहा होता है भाई नीचे लैंड करवा, तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसे अपने कंसेंट के साथ गया था वो, ठीक है। तो उसकी कंसेंट चाहे एक्सप्रेस हो इम्प्लाइड हो तो वो इसका डिफेंस नहीं ले सकता। अब मान लीजिए उसी बीच में उसको कोई चोट वोट लग जाती है, ठीक है, तो क्या उसको दूसरे आदमी को सजा मिलेगी, आंसर इज नो। जैसे मान लीजिए ये सेक्शन 87 कहता गया नथिंग इज ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा और उस ऑफेंस की वजह से किसी की डेथ हो जाए या ग्रीवियस हर्ट हो जाए, नॉट नो द बाय द एक्ट लाइक टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इज कॉज टू इंटेंट डूअर और कॉज। मान लीजिए एक के वजह से दूसरे का को डेथ हो जाती है या आपका ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, बट इसको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, पर वो एक्ट ऐसा था, जैसे यहाँ पर दोनों तलवारबाजी कर रहे थे, ए और जेड जो थे वो तलवारबाजी कर रहे थे, पर ए ने, हम मान लीजिए ए की वजह से जेड को चोट लग गई, ए की वजह से जेड को चोट लग गई, तो क्या ये चीज उसमें आएगी, तो आंसर इज नो, क्यों, क्योंकि ये दोनों आराम से खेल रहे थे, पर तलवारबाजी का खेल ही ऐसा है कि एक दूसरे को चोट आने के ज्यादा चांसेस है। अब यहाँ पर जेड मर जाए या उसे ग्रीवियस हर्ट हो जाए तो ए लाइबल नहीं होगा, बट हाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर उसने कोई चलाकबाजी करी है, कोई फॉल प्ले करा है, ठीक है, तो होगा। जैसे सुल्तान मूवी है, सुल्तान मूवी में क्या देखा था हमने कि सुल्तान जो है वो फाइट कर रहा होता है, वो सिंपल फाइट कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ नहीं होगा, बट मान लीजिए वो कोई उसका अपोनेंट सलमान खान कोई अपोनेंट कोई गलत चीज करता है या कोई वैक्स लगा लेता है, कुछ भी करता है ऐसा जिसकी वजह से सामने फॉल प्ले करता है यानी कि गलत चीज करता है उसकी वजह से, तो यहाँ पर उसके और उसके वजह से सलमान खान की डेथ हो जाती है तो वो सेक्शन में उसे डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन का। अगली बात करते हैं हम आपका सेक्शन 88। अब सेक्शन 88 क्या कहता है, सेक्शन 88 कहता है अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ जेड हु सफर अंडर द पेनफुल कंप्लेनेंट बट नॉट इंटेंटेड टू कॉज डेथ। अब जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है कि ए जो है एक सर्जन है, ठीक है, वो उसे पता है कि अगर ये ऑपरेशन नहीं करा तो ये वैसे ही मर जाएगा और उसके वजह से वो मर जाता है। मान लीजिए जैसे एक डॉक्टर है वो ब्रेन का ऑपरेशन कर रहा होता है, ब्रेन के ऑपरेशन में उसके ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। अब ब्रेन ट्यूमर के जो ब्रेन का ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता, तो अब वो ब्रेन ट्यूमर से तो वैसे ही मरने वाला था वो, पर उसको क्या करता है, उसे बचाने के लिए वो उसका ऑपरेशन करता है, पर ऑपरेशन में ही वो मर जाता है, तो क्या उस सर्जन को सजा मिलेगी, आंसर इसमें क्यों नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये देखिए एक सर्जन था उसको एक पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहा था वो जेड का जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, हु सफर द पेनफुल कंप्लेनेंट विद नॉट इंटेंट द कॉज दैट, और उसके इंटेंशन नहीं थे, उसने गुड फेथ करा था, ऑपरेशन में उसने कोई नेग्लिजेंस नहीं करा था। जैसे वो अंकुर मर्डर केस था, अंकुर मर्डर केस में क्या हुआ था, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस में, कि उस बच्चे की डेथ कोमा में चला जाता है वो, हालांकि उसमें उसकी नेग्लिजेंस थी, उस डॉक्टर की एक मूवी है ये अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, तो मूवी का नाम ही यही है, तो उसमें वो बच्चे का ऑपरेशन कर रहा होता है, जब वो बच्चे का ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसमें उसने नेग्लिजेंस कर रहा होता है कि वो बच्चे का चेक नहीं करता कि उसने खाया या पिया, ठीक है, तो उस वजह से उसका बच्चे कोमा में चला जाता, वो उसकी नेग्लिजेंस थी, पर मान लीजिए यहाँ पर सर्जन कोई भी नहीं करता, कुछ भी ऐसा नहीं करता और तब भी उसकी बच्चे की डेथ हो जाती तो वो जिम्मेदार नहीं होता। सेक्शन क्या कहता है कि अगर नथिंग इज नॉट इंटेंट टू कॉज डेथ इज ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच मे कॉज और इंटेंट द रॉन्ग डूअर
इज लाइकली टू कॉज एनी पर्सन हुज गुड फेथ, यानी कि अगर गुड फेथ में, सिंपल सी बात है, अगर गुड फेथ में आपने कोई काम करा है और उसके वजह से कोई आपका डेथ हो गई या ग्रीवियस हर्ट हो गई, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा कंसेंट के साथ। बेसिकली कंसेंट की बात करते हैं, मैंने कह दिया कि हाँ मैं बाइक राइडिंग करूंगा और रेस करूंगा, और रेस में मान लीजिए मैं मर गया, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मेरे ओपोनेंट वाले को सजा नहीं मिलेगी, बट मान लो उसने मुझे कट ऐसा मारा और मैं तब मर गया, तो उसके सजा मिलेगी। अब सेक्शन 89 क्या बात करता है, सेक्शन 89 आपका बात करता है एक्ट इन एक्ट डन इन अ गुड फेथ, अगर कोई गुड फेथ में एक्ट करा है फॉर बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड और इनसेन पर्सन, यानी कि अनसाउंड पर्सन के लिए और एक बच्चे के लिए, उसके गार्डियन के कंसेंट के साथ, बाय और बाय का कंसेंट मतलब यानी कि उसके बच्चे के कंसेंट के थ्रू या उसके कंसेंट के थ्रू, ठीक है, तो वो आपको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे कि इसमें है ए इन अ गुड फेथ फॉर अ चिल्ड्रंस बेनिफिट विदाउट चाइल्ड कंसेंट, मतलब वो बच्चे के कंसेंट के बिना पर हैज कट हिज द स्टोन बाय द सर्जन, चाइल्ड कट द हैज हिज चाइल्ड कट द स्टोन बाय सर्जन नोइंग इट विल लाइकली टू ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड डेथ बट नॉट इंटेंशनली टू कॉज चाइल्ड डेथ ए विद द एक्सेप्शन एज मच इज ऑब्जेक्ट वाज गिवन, मतलब मान लीजिए इसमें जैसे मान लीजिए मैं एक बच्चा हूँ, ठीक है, और मेरे बने के लिए किसी बंदे ने मेरा कुछ मतलब कि मेरी कंसेंट के बिना, मेरे गार्डियन के कंसेंट के बिना मेरा ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो क्या उसे सजा मिलेगी? आंसर इज नो। अगर उसने मेरे बेनिफिट के लिए या किसी अनसाउंड पर्सन के बेनिफिट के लिए, उसके गार्डियन मतलब यानी कि उसके माता पिता के बिना कोई काम करा है, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। सेक्शन 89 सिंपल से ये बात करता है और कुछ नहीं इसमें। अब सेक्शन 90 क्या कहता है, कंसेंट नॉट टू बी गिवन अंडर द फेयर ऑफ मिसकंसेप्शन, मान लीजिए कि किसी की कंसेंट मैंने मिस फेयर से यानी कि फोर्सफुली या मिसकंसेप्शन से लिया, मतलब मान लीजिए मैंने उसे बताया कि कुछ और निकला कुछ और, मान लीजिए फेयर का मतलब तो यहां पर यही हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरी किसी ने कंसेंट लिया, ठीक है, बोल हाँ बोल करेगा नहीं करेगा ऑफेंस, ठीक है, तो मैंने कुछ वो का काम कर दिया, तो यहां मेरी कंसेंट क्या फ्रीली मानी गई? नहीं, आंसर इज नो, मेरी यहां कंसेंट फ्री नहीं मानी गई, क्यों? क्योंकि फेयर में मेरी कंसेंट ली गई, मुझे दरा धमका के मेरे से काम करवाया गया, तो यहां पर क्या होगा, कंसेंट आपकी नहीं मानी जाएगी। और मिसकंसेप्शन में ये माना जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके किसी की कंसेंट मिसकंसेप्शन से लिया, मतलब आपने उसे कुछ मिसकंसेप्ट करा, मतलब कुछ और चीज बताई और हुआ कुछ और, तब यहां पर उसकी कंसेंट विलफुली नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 90 इतनी सी बात करता है, कंसेंट इन इनसेन पर्सन इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हुज फॉर्म अनसाउंडनेस, अगर किसी पर्सन जो इनसेन है उसकी आपने कंसेंट ली है इंटॉक्सिकेट करके, या किसी की आपने यानी कि अनसाउंड पर्सन की, या इंटॉक्सिकेट मतलब शराब पिलाकर, पर उसकी विल के अगेंस्ट, उनसे मान लीजिए मेरी किसी ने शराब मुझे जबरदस्ती पिला के मेरे से कोई काम करवाया, या मैं कोई अनसाउंड माइंड हूँ और मतलब कोई मतलब मैं पागल हूँ, तो पागल और अनसाउंड से आपने किसी को काम करवा लिया, ठीक है, तो तब आपके ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है, मान लीजिए मेरे से किसी ने दारू पिलवा के कोई काम करवा दिया, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कंसेंट ऑफ चाइल्ड अनलेस द कंट्री अपीयर्स द कंटेक्स्ट इफ द कंटेक्स्ट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर द हुज अंडर द इयर्स ऑफ 12 इयर्स, मतलब 12 साल तक के बच्चे की कंसेंट खुद भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ऊपर मानी जाएगी, पर रेप के केसेस में ऐसा नहीं होता। रेप के केसेस में मान लीजिए कोई 18 साल की लड़की है, ठीक है, मतलब 16-17 साल की लड़की है, उसके आपने उसके साथ उसकी कंसेंट के साथ भी आपने उसके साथ इंटरपोज करा, तो भी आपको सजा मिलेगी मिलेगी, क्योंकि वो 18 साल तक की नहीं हुई है। तो हमने बात करी सेक्शन 91 में, अब देखिए सेक्शन 91 क्या बात करता है, कि ये कहता है कि अगर किसी का इंटेंशन क्राइम करने का ही था, तब उसको ये डिफेंस नहीं मिल सकते। किसके डिफेंस? सेक्शन 87 का 88-89 जो अभी हमने प्रीवियस पढ़े थे। जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक औरत है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट लेडी है, वो अपना मिसकैरेज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, ठीक है, अब डॉक्टर क्या है उसके कंसेंट से उसका बच्चे का मतलब उसका मिसकैरेज कर देते हैं, तो क्या यहाँ पर डॉक्टर क्या है लाइबल है, क्योंकि कंसेंट तो उस लेडी ने दी है, तो आंसर इज नो, कि यहाँ पर जो है डॉक्टर लाइबल होगा, उसे ये डिफेंस नहीं मिलेगा, क्यों 87, 88, 89 का कंसेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कंसेंट औरत की वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड? क्योंकि यहाँ पर जो ये जो करने जा रहा है ये कंसेंट ही उसकी ऐसी चीज के लिए जो क्राइम है, मिसकैरेज करवाना एक क्राइम है, ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर को कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, जिसका इरादा ही क्राइम करने का है, ठीक है, तो उस चीज के लिए डिफेंस नहीं मिलेगा। ये डिफेंसेस कंसेंट वाले डिफेंसेस तभी दिए जाएंगे जब आपका इरादा था ही नहीं ऑफेंस करने का और तब भी आपसे हो गया, जिसमें रिस्क था। अब आते हैं हम सेक्शन 92 पे। देखिए सेक्शन 92 सिंपल से यही बात करता है, एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर अ बेनिफिट ऑफ विदाउट कंसेंट,
यानी कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, ठीक है, और एक अनसाउंड पर्सन है, ये दोनों के गार्डियन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पर सिचुएशन ऐसी बनी है कि अगर इनके बेनिफिट के लिए अभी तक काम नहीं करा तो कुछ भी हो सकता है, इनकी डेथ भी हो सकती है, इन्हें हर्ट हो सकता है। तो डॉक्टर, जैसे मान लीजिए मुझे एक बच्चा मिलता है, ठीक है, वो बच्चा उसके अकेला कहीं घूम रहा है और उसको कोई बहुत ज्यादा कोई पेन है, ठीक है, तो उसके पेन के लिए मैं उसे कोई चीज देता हूँ जिसकी वजह से उसे ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, मतलब कुछ दवाई ववाई देता हूँ जिसकी वजह से उसे ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, या उसकी कोई चीज मतलब कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाती है किसी चीज से। तो यहाँ पर मैंने ना उस बच्चे की कंसेंट ली, ना मैंने उसके पापा की कंसेंट ली, पर उसके भले के लिए मैंने ये काम करा। और भला करने जा रहा था, नेकी कर कुएं में डाल वाली बात हो गई, कि नेकी करने जा रहा था और वो तब भी कुछ ऑफेंस हो गया मुझसे, ठीक है, तो क्या मुझ पे वो ऑफेंस माना जाएगा? आंसर इज नो, मेरा ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर आपने किसी के बच्चे के लिए या अनसाउंड के बेनिफिट के लिए कोई काम करा है और तब भी उस बिना उसकी कंसेंट के, तब भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियोस के लिए इतना ही, अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन, और आप हमें अगर आपको हमारी इसकी PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।